P is not नॉट with Q, Q is not नॉट with P and R. For example, एग्जाम्पल okay. So basically अभी तक हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रो में सात कार्स जो हैं पार्क्ड है ठीक है वो बिल्कुल भी इस तरह से पार्क नहीं है जैसे पी क्यू आर यानी उनके ऑर्डर में नहीं है तो हमें इन सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से इनको पार्क करना है ठीक है तो एक काम करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर सात पोजिशन तो कंसिडर कर लेते हैं ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन पोजिशन हमने कंसिडर कर ली सो so, प्रोसीड करते हैं ओके okay. तो यहाँ से हमें क्या बने दर ऑफ पेट्रोल और सम आर डीजल वेरिएंट। तो कुछ कार जो है पेट्रोल के और कुछ क्या है डीजल के हैं ठीक है वाई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी तो वाई कहाँ पर है थर्ड लेफ्ट पे है किसके पी के तो यहाँ पर हमें जैसा कि गिवन है कि वाई थर्ड लेफ्ट पे है पी के तो हमें नहीं मालूम पी का होगा तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पी यहाँ पर होगा तो यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट पे वाई होगा ओके तो यहां से नेक्स्ट हमें क्या गिवन है दैट इज मोर देन थ्री कार्स आर पार्क बिटवीन द पेट्रोल कार्स कि तीन कार से ज्यादा पार्क है पेट्रोल कार्स के बीच में तो यानी कि यहां पर पेट्रोल की कार और वन टू थ्री इससे ज्यादा ही पाक किसके बीच में दो पेट्रोल की कार के बीच में चार ही होंगी क्योंकि वन टू और हो सकता है कि पांच हो लेकिन तीन से ज्यादा होंगे ठीक है मोर देन थ्री तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मोर देन थ्री ठीक है आगे हमें क्या बना है दैट इज टी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू टी कहा पर है सेकेंड राइट right पे है क्यू के तो यानी क्यू जहां कहीं भी है उसके सेकेंड राइट right पे फर्स्ट सेकेंड राइट पे कौन है टी है X is a diesel car and parked at one of the extreme end. तो so, X जो है एक डीजल कार है और किसी एक्सट्रीम एंड पे तो यानी कि X या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा तो यानी यही कहीं हो सकता है और ये कौन सी कार है डीजल कार है तो so, ब्रैकेट में हमने D लिख दिया जहां पर ये फाइनल होगा वहीं पर लिख लेंगे ठीक है R इज अ डीजल कार एंड पार्कड फोर टू द राइट ऑफ एस आर कौन सी एक डीजल कार है और कहाँ पर है फोर्थ राइट right पे है किसके एस के ठीक है तो आर जो है एक डीजल कार है ये हमें पता है ओके okay. एस के फोर्थ राइट right पे यानी एस जहाँ होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड और यहाँ पर कौन सी गाड़ी हुई आर होगी ठीक है और ये एक डीजल कार है ओके okay. आगे क्या बनाए आर इज अ डीजल कार एंड पार्क फोर टू द राइट ऑफ एस ठीक है ऑल द कार्स आर अरे ऑर्डर टू द डिस्टेंसेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट किलोमीटर एंड कार आर कवर्स फिफ्टी किलोमीटर तो कार्यू जो है वो कितना किलोमीटर कवर करिए थर्टी सेवन किलोमीटर और कार आर जो है वो कवर करिए फिफ्टी किलोमीटर ठीक है km, तो यहाँ पर हमने लिख लिया आगे क्या मैंने एक्स इज नॉट टू द एक्स टू दी राइट ऑफ टी एक्स कहां पर है टी के राइट में है ठीक है तो एक्स टी के राइट में है दैट मीन तो देखो यहाँ पर तो राइट हो ही नहीं सकता यानी एक्स जो है इसी कॉर्नर पे आएगा ये श्योर हो गया अगर एक्स टी के राइट पे है तो तो यानी यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हमारा एक्स आ जाएगा ये हमारा फाइनल हो गया तो ये हो गया हमारा एक्स और एक्स जो हमारी गाड़ी थी वो डीजल कार ही है राइट तो यहाँ पर हम फिर कर लेते हैं कि ये होगी डीजल कार ठीक है आगे प्रोसीड करते हैं आगे हमें क्या क्या है दैट इज इज ऑफ डीजल वेरिएंट कार एंड नो पेट्रोल वेरिएंट कार पार्क नेक्स्ट टू इट तो यानी कि वाई जो है एक डीजल कार है और कोई भी उसके साइड में जो कार है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वाई हमारी डीजल कार है डी लिख लिया हमने और उसके जो साइड वाली कार है आसपास वाली वो भी दोनों कौन सी होंगी डीजल होंगी यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जोन सी गाड़ी होगी वो डीजल ही होगी ठीक है ये हमें गिवन है ओके okay, तो so अब हमारे पास इंफॉर्मेशन इनको मार्क करना है अब देखो यहाँ पर हमें गिवन था कि तीन से ज्यादा गाड़िया होंगी दोनों पेट्रोल गाड़ियों के बीच में अब यहाँ पर हमारे जो पास जो पोजिशन है यानी कि ये वाली और ये वाली पेट्रोल कार होगी तभी तो बीच में तीन से ज्यादा चार ही हो सकती है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये कौन सी गाड़ी है हमारी पेट्रोल वाली तो यहाँ पर ये हमारी पेट्रोल वाली हुई और ये भी हमारी कौन सी कार होगी पेट्रोल वाली ही होगी ठीक है तभी तो ये डीजल वाली बनेगी क्योंकि इनके बीच में तीन से ज्यादा गाड़ियां है ठीक है दोनों के बीच में तो यानी ये हमारा हो गई डीजल कार ओके तो ये हमारी हुई डीजल ये भी हमारी हुई डीजल और ये भी डीजल हुई तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया ठीक है अब साथ ही हमें क्या गिवन था कि एस और आर के बीच में तीन गाड़ियां आएंगी और आर जो है हमारी डीजल गाड़ी है ठीक है इसका मतलब कि हमें तीन पोजिशन लेकर चलने ले बीच में तो ये हमारी तीन पोजीशन हो गई तो R हमारा यहाँ आएगा और R हमारी डीजल है तो यानी ये डीजल ही होगी तो यहाँ पर हमारा आर आ जाएगा और तीन गाड़ी बीच में छोड़ दी और एस हमारा यहाँ आ गया ठीक है ओके अब आर का हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आर कितना किलोमीटर ड्राइव करेगा 50 किलोमीटर तो ये हो गया 50 किलोमीटर ओके अब नेक्स्ट चलते हैं आगे हमें क्या गिवन है कि वाई के अगल बगल वाली डीजल होगी तो यानी वाई कहाँ आएगा एक्सेक्ट बीच में आएगा तो यहाँ से हमें पता चल गया वाई का पोजिशन ये होगा वाई अब वाई के बीच में दो गाड़ियां छोड़ देते हैं यानी पी जो है हमारी यहाँ पर हुई ये हमारी पी कार हुई ठीक है अब ये भी हमें हो गया तो ये भी हमारा कंडीशन डन हो गया अब q और t के बीच में दो है एक गाड़ी होगी तो यानी q यहाँ पर आ जाएगा और T जो है इसके सेकेंड राइट पे हो गया ठीक तो ये भी डन हो गया यानी सारी कंडीशन कम्प्लीट हो गई तो अब हम इसको इरेज कर लेते हैं यहां से हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और साथ ही हमें क्या क्या था कि Q जो है वो गाड़ी कितनी किलोमीटर चलिए थर्टी सेवन किलोमीटर और हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है टू द राइट तो यानी Q जो है हमारी 37 सेवन किलोमीटर चलिए और देन उसके बाद 50 किलोमीटर राइट right? तो यानी ये ऑर्डर भी हमारा करेक्ट जा रहा है सो अब हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया अब हम क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं ओके सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी कार्स आर पार्क इन बिटवीन कार क्यू एंड कार कार एक्स तो क्यू और एक्स के बीच में कितनी कार्स है ये अपने को बताना है ठीक है तो देखो क्यू कार कहां पे है यहां पर एक्स कहां पर है यहाँ पर है तो दैट मीन्स इनके बीच में कितनी कार्स है वन टू थ्री फोर फोर कार्स है दैट इज ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर